प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आशा करता हूँ कि प्रभु में आप सब खुश होंगे। आज का विषय है कि परमेश्वर का वचन क्या है, और वचन के बारे में देखेंगे और सीखेंगे बाइबल के वचन के द्वारा। वचन परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला आयत। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। वचन देहधारी हुआ। वचन में देखेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 14 आयत। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। वचन भोजन है। इब्रानियों की पत्री 5:12-14। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह अवश्य है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्य सियानों के लिए है, जिसके ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। वचन तलवार है। बाइबल से देखेंगे हम इफिसियों की पत्री 6:17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। वचन दीपक है। भजन संहिता 119:105। 13 वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन दर्पण है। याकूब की पत्री 1:23-24 तक। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और भूल जाता है कि मैं कैसा था। वचन बीज है। पहला पत्रस 1:23। तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वचन आग और हथौड़ा है। यरमाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 23:29। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले? वचन की शक्ति को समझो। जी हाँ दोस्तों, हमें परमेश्वर के वचन की शक्ति को भी समझना जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार 22:29। प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। वचन से ही हमें जीवन मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20:31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। वचन हमें पवित्र करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:17।
सत्य के द्वारा मुझ पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वचन उन्नति करता है। प्रेरितों के काम 20:32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीराश दे सकता है। वचन दिल को खुश करता है। भजन संहिता 19:8। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंद कर देता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है। वचन पाप से दूर करता है। भजन संहिता 119:11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप न करो। वचन दिलों को आत्मिक गीतों से भरता है। कुलिशियों की पत्री 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो और सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन भविष्य के लिए चेतावनी देता है। 1 कुरिन्थियों 10:11-12। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी और वे हमारी चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में रहते हुए लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। वचन से ही दुष्ट पर जय पाई जा सकती है। 1 यूहन्ना 2:14। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। वचन ही चंगाई देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 8:16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। वचन उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। 1 तीमोथियुस 3:15। कि यदि मेरे जाने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा है और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। वचन प्रभावशाली है। 1 थिस्सलुनीकियों 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। वचन हमारे प्राणों का उद्धार करता है। याकूब के पत्र 1:21। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव के बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। वचन अनंत जीवन के लिए पक्का विश्वास दिलाता है। 1 यूहन्ना 5:13। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। वचन कभी भी टलता नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 24:35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। वचन को परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है।
भजन संहिता 138 अध्याय 2 आयत। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि को बनाया गया है और वचन ही से हमारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ। वचन से सब कुछ होने के बाद भी आज विश्वासी के पास वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। याद रखें, अगर आप वचन से दूर रहे तो यही वचन एक दिन जो आपका न्याय भी करेगा। इन वचनों को सुने जाने और पढ़े जाने पर प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहे और वचन के अनुसार आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।